ये डिस्प्ले दिया गया है, माइक का क्वालिटी आप देख लीजिए, और इसका ये आपको रिमोट मिल, यहाँ पे ट्रेबल बेस दोनों का ऑप्शन ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आप कम या अधिक दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए माइक का वॉल्यूम है, इससे आप जो है माइक को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या अधिक आप यहाँ से माइक का वॉल्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे इको मोड का ऑप्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक साउंड सिस्टम लेकर आए हैं जो कि फिलिप्स का साउंड सिस्टम है, और ये 2 यूनिट्स टावर के साथ आपको मिलता है, टावर स्पीकर है, 2 यूनिट आपको इसमें जो है टावर स्पीकर मिलेगा। अब क्वालिटी कैसा है, इसमें कैसा आपको जो है इसे परचेस कर सकते हैं, और इसमें कैसा जो है बेस मिलता है, ये सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। इसमें साउंड टेस्टिंग भी इसका हम करने वाले हैं। अगर आप एक टावर जो है परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसमें आपको माइक सिस्टम भी मिलेगा, वो भी आपको वायरलेस माइक जो है इसमें इसी में आपको इनबिल्ट है, ठीक है। वायरलेस आप इसे जो है माइक से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें माइक भी आपको इसमें दिया गया है। तो वीडियो पर आप पूरा बने रहिए, इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में और फीचर्स बारे में बताएंगे, साउंड टेस्ट भी करेंगे, और इसका जो है कितना प्राइस है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फीचर्स के बारे में बता देते हैं। कभी भी अगर आप साउंड सिस्टम लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। ये जो है 2 टावर्स स्पीकर के साथ आपको मिलता है, दोनों ही आपको इसमें सेट मिलेगा, ठीक है। आप इसे अलग अलग जो है सेटअप इसमें कर सकते हैं। तो ये फिलिप्स का जो है क्वालिटी के बारे में बात कर ले, ये जो बनावट है इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमको देखने में, और इसमें कमी क्या है सो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर जो है आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो आपको साउंड सिस्टम में जो है नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए इसके फीचर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए कभी भी अगर आप साउंड सिस्टम लेते हैं तो उसको आपको ये जानकारी होना चाहिए कि उसका आउटपुट कितना मिलता है, उसका जो साउंड आउटपुट आपको मिलेगा कितना वाट मिलता है, ठीक है। जैसे इसका जो साउंड आउटपुट है यहाँ पे मेंशन किया गया है 80 वाट, ठीक है, 80 वाट्स RMS इसका जो है आपको साउंड आउटपुट मिलता है दोनों स्पीकर्स मिला के, ठीक है, दोनों टावर्स मिला के आपको 80 वाट ही मिलता है, 40-40 वाट दोनों में आपको जो है मिलने वाला है। अब एक स्पीकर जो है जैसे ये स्पीकर आपको साउंड आउटपुट देगा तो इसका कितना वाटेज है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है फिलिप्स की तरफ से। वैसे आप जो है इसकी वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिएगा, अगर वहाँ पर मेंशन हो हमने चेक नहीं किया है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका ये देखिए ये 4 इंच का इसमें 2 स्पीकर लगा हुआ है, आपको 2 जो है इसमें 8 इंच का जो है 8 इंच का इसमें आपको सबवूफर लगा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 इंच का सबवूफर, अब दोनों दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी दोनों सबवूफर, 2 सबवूफर आपको इसमें लगा हुआ है, 2 स्पीकर्स में लगा हुआ है, और 2 देखिए यहाँ पे 2 आपको ट्यूटर्स इसमें भी लगा हुआ है, जो कि 2 इंच का ट्यूटर्स आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे एयर आउट होने के लिए आपको दिया गया है, जिससे सबवूफर जो साउंड करेगा एयर जो बनेगा उसे आप पास होने के लिए जो है यहाँ पे 2 आपको स्टाइलिश दिखने में तो लग रहा है। अब इसका बनावटी का क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही हैवी बना हुआ है, और इसका वेट जो है काफी अधिक है, ठीक है। अगर आप इसे रूम में सेटअप करते हो तो ही आपको जो है बेस्ट साउंड जो है इसका एक्सपीरियंस होगा। अगर आप इसे आउटडोर में जो है इस साउंड टेस्ट करते हैं तो इसका साउंड क्वालिटी वैसा आपको जो है नहीं होगा, ठीक है। आउटडोर के लिए आपको अधिक लाउडनेस अधिक जो है उसमें साउंड होना जरूरी है। इसमें साउंड मीठा साउंड आपको मिलने वाला है, बेस भी मिलने वाला है, और बहुत ही मीठा बेस भी आपको इसमें
मिलने वाला, वो तो हम अभी आपको टेस्ट करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम दो दिन खुद इसको जो है टेस्ट की है, उसके बाद ही हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, इसमें क्या कमी है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको जो है डिस्प्ले दिया गया है, डिस्प्ले आपको डिजिटल यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे पोज, नेस्ट, प्रीवियस, स्टैंड बाय, वॉल्यूम, माइनस, प्लस, सब आपको ऑप्शन दे दिया गया है। ब्लूटूथ 5.1 आपको इसमें है, यूएसबी सपोर्टेड है, माइक सपोर्टेड है, दो दो आप इसमें जो है माइक लगा सकते हैं, एक आपको वायरलेस माइक इसमें मिलता है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये फिलिप्स की तरफ से आपको इसका रिमोट मिल गया, आप इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट में भी काफी अच्छा फंक्शन है, आप कहीं से भी बैठे सारा फंक्शन जो है यहाँ से रिमोट से ही कंट्रोल इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे RAC कोड आपको इसमें दिया गया है, दोनों टाइप्स जो है RAC है, ऑडियो इन करने के लिए टीवी में आप LED में लगा के आप इसमें ऑडियो इन कर सकते हैं, ठीक है। सेटअप बॉक्स से आप जो है ऑडियो आउट कर ले सकते हैं। यहाँ पे इसमें अच्छा क्वालिटी का जो है आपको माइक मिलता है, और फ्रेंड्स इसमें किसी में भी आपको बैटरी नहीं दिया गया है, बैटरी का आपको खुद से परचेस करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वायरलेस माइक है, काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और इसे भी हम टेस्ट करके आपको दिखाने वाले हैं इसका साउंड कैसा आता है, ठीक है। तो वीडियो पर जो है आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम आपको बता दें FM आपको सपोर्टेड है, USB सपोर्टेड है, कार्को मैक सपोर्टेड है, ठीक है। और ऐसा कुछ इसमें जो है फीचर्स नया में दिया नहीं है जो हम आपको इसमें बताएं। और 30 वाट इसका जो है पावर कंजप्शन है, 30 वाट जो है पावर कंजप्शन करता है, और 80 वाट RMS जो है इसका ऑडियो आउटपुट आपको रहने वाला है। और ये दो सेट ही आपको मिलेगा, अलग अलग आप इसे परचेस नहीं कर सकते, दोनों सेट में ये टावर जो है आपको मिलने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे जो ये मल्टीमीडिया स्पीकर टावर हुआ, बोल सकते हैं मल्टीमीडिया स्पीकर, ठीक है। इसमें आपको एक रिमोट कंट्रोल मिला है, वो हम आपको बता दिए। इसका जो अभी दिया हुआ है प्राइस 19,900 रुपया, आप इसे कितना परचेस कर सकते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा नजदीक से हम दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले दिया गया है, पोज, नेस्ट, प्रीवियस, स्टैंड बाय, इसे आप ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसी से आप जो है सोर्स ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसे अभी जैसे ये ब्लू जो लिखा हुआ है ब्लूटूथ मोड पे है, इसे हम जैसे यहाँ से हटाते हैं, देखिए FM मोड पर आ गया, यहाँ पे देखिए AUH मोड पर आ गया, यहाँ पे देखिए फिर ब्लूटूथ मोड पर आपको जो है ये आ गया। यहाँ पे साउंड कम अधिक करने के लिए यहाँ पे USB सपोर्ट हो सकता है। और इसका क्वालिटी के बारे में बात कर लीजिए, देख लीजिए काफ़ी जो है खूबसूरत जो है ये आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। अगर आप एक अच्छा साउंड जो है सुनना पसंद करेंगे तो ये साउंड सिस्टम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो और ये देखिए माइक का क्वालिटी आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए म्यूट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। साउंड देखिए ऑन हो गया, बैटरी का आपको जो है अलग से ही परचेस करना पड़ता है, और फिलिप्स का यहाँ पे लोगो मिलता है। काफ़ी अच्छा जो है माइक का लुक आपको इसमें जो है दिया गया है। ये आपको कॉर्ड है ऑडियो इन करने के लिए, और इसका ये आपको रिमोट मिलता है। रिमोट में काफ़ी अच्छा जो है इसमें आपको फीचर्स दे दिया गया है, इस रिमोट से ही आप सारा फंक्शन दूर से ही जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसका हम आपको MRP दिखा दिए हैं। इसका फ्रेंड्स हम मॉडल तो आपको बताए ना, देखिए ये मॉडल जो हो गया SPA 9080B, ठीक है, ये इसका मॉडल हो गया। अगर आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉप में भी परचेस करें तो ये मॉडल ज़रूर बताइए, तो ही आपको जो है ये प्रोडक्ट मिल पाएगा। मॉडल फिर से हम रिपीट कर देते हैं, SPA 9080B, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस दिया हुआ है 19,990 रुपया, ठीक है, 19,900। मैन्युफैक्चर जून 2022 का है। फ्रेंड्स इसका प्राइस जो है घटते बढ़ते रहता है, तो आप जिस समय इसे परचेस करने हैं उस समय देख लीजिएगा इसका प्राइस जो है मार्केट का कैसा चल रहा है, इसका प्राइस कितना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको साइड में सब बूफर मिलता है, यहाँ पे देख लीजिए इसमें भी है, और दोनों में आपको सब बूफर मिलता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ट्रेबल बेस दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आप कम या अधिक दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए माइक का वॉल्यूम है, इससे आप जो है माइक को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या अधिक आप यहाँ से माइक का वॉल्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे इको मोड का ऑप्शन है, जैसे इको आप
बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं, वो भी हम आपको चेक करके। माइक इसमें दो माइक आप लगा सकते हैं, माइक वन माइक टू, ठीक है। और ये जो स्पीकर्स मिलता है, ये स्पीकर, इसमें देखिए कोई इनपुट नहीं दिया गया है, इसको जो है ये कॉर्ड मिलता है, ये कॉर्ड को जो है आपको इसके ऊपर वाला में जो है पीला में इसमें आपको लगा देना है। और ऑडियो इन करने के लिए अगर आप सेटअप बॉक्स से इसमें ऑडियो इन करिएगा तो इस दोनों में आपको लगा देना है। कॉर्ड तो आपको इसके साथ दे ही दिया गया है। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, 230 वोल्ट 50 हर्ज पर ये जो है आपको काम करता है। FM का यहाँ पे तार मिलता है जो सभी में मिलता है आपको, ठीक है। और चलिए इसका जो है साउंड टेस्ट करके हम आपको दिखा देते हैं। और फ्रेंड्स इसका प्राइस के बारे में बात कर लें तो ये जो आपको साउंड सिस्टम मिलता है इसका आपको प्राइस अभी जो चल रहा है मार्केट का 15,900 रुपया में आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफलाइन का हम आपको प्राइस बता रहे हैं, आप उसे चेक कर लीजिए जब इसके इसे जो है परचेस कर रहे हैं तो देख लीजिएगा जो है इसका मार्केट का प्राइस कितना है। तो 15,900 रुपया में जो है आप इसे परचेस कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स इसको जो हम सेटअप कर चुके हैं, आपका एलईडी टीवी है तो उसके बगल में आप कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं सो हम आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। इसको ऐसे आपको सेटअप कर लीजिएगा, अगर आप वॉल माउंट कराए हुए हैं तो वॉल माउंट के टीवी के ठीक नीचे जो है आप सेटअप कर दीजिएगा, जिससे जो है बहुत ही अच्छा, अगर आप मूवीज देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा जो है आपको जो है साउंड प्रोवाइड हो, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम ऑन करते हैं, देखिए ये इसका रिमोट हुआ, चलिए इसको हम ऑन करते हैं। तो देखिए ये स्टैंड बाय पर से जो है हट चुका है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसको हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अभी हम एलईडी से जो है प्ले करके आपको दिखा रहे हैं, तो आप जो है चेक कर लीजिएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आ चुका है, देख लीजिए फिलिप्स SPA 9080B, ठीक है ये मॉडल है, इसको चलिए हम पेयर कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा जो है पेयर हो चुका है, देखिए इसमें कोई हम आपको साउंड प्ले करके दिखाते हैं। इससे जो है आप परचेस कर सकते हैं अगर एक रूम के लिए आप परचेस करना चाहें तो, ठीक है। अगर आप इसे आउटडोर जो है साउंड इसका आप सुनने वाले हैं, आउटडोर बजाने वाले हैं, तो ये साउंड सिस्टम आपके लिए नहीं है, ये टावर स्पीकर जो है आपके लिए नहीं है, ठीक है। यही इसमें कमी है क्योंकि इसका वैसा लाउडनेस और वैसा साउंड आउटपुट नहीं दे रहा है जिससे जो है आपको जो है आउटडोर में जो है अच्छा जो है साउंड आउटपुट मिल सके, ठीक है। तो इसमें इसे अगर आप एक रूम में सुनते हैं, ठीक है, या हॉल में सुनते हैं तो आपको ये जो है ये साउंड बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अगर आप आउटडोर में के लिए ले रहे हैं तो ये आपको जो है टावर स्पीकर्स बिल्कुल ही नहीं परचेस करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसका माइक टेस्टिंग भी हम आपको जो है करके दिखा देते हैं। तो देखिए इसका माइक टेस्ट हम करते हैं, तो देख लीजिए इसे चलिए जो है हम ऑन कर लेते हैं। हेलो माइक का जो है रेंज आपको 20 मीटर इसमें दिया गया है, तो काफी अच्छा माइक है, देखिए वायरलेस, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। हेलो
देखें इसका माइक का जो है आपको रेंज अच्छा मिलता है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर हमसे कुछ छूट रहा है तो कमेंट कीजिएगा, 24 आवर्स के अंदर जो है उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ। आप बताइए आपको क्या चीज़ पर वीडियो चाहिए, उस पर जो है हम वीडियो बना के डाल देंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।